हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे बाबा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गजानन भूत गणाधीशे काम कपेत्र जंबो भय चारु महासुतं शोक विना सकारकं नमामि पार्वण्यरोषो भक्तस्वभाव प्रेच्छामि त्वां धर्मसंमोदचेता यस्य यस्यान्निश्चितं रोहितं ये शिष्यस्ते कविं पुराणमनुशासिदार मनोरमीया समनुस्मरेत्या सर्वस्य भागागमचिन्त्यरूप मागेत्य वर्णं तमस पश्यामि देवास्तवदेवदेह सर्वास्तथा भूतविशेषसंग्रहा ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थ नृसिंह सर्वा अनेकबाहुर्वक्त्रनेत्रा पश्यामि त्वां सर्वपूर्णरूपं मान्तं नमध्यं न पुनस्तवादे पश्यामि
के परमेश्वर के नाम गरिणाम चक्रिणाम चे गो राशे सर्वतो दीप्तिमान्तं पश्यामि मान्दो निरीक्षं समन्तात् पित्कानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतगर्भगोपा सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्तमनन्त शशि सूर्य हर्ष्यामित शव स्वे स्वेदेमंतर व्याप्त शशाङ्क
कविता सुसहस्रे नम पुरस्ते नमोस्तु कविकमस्तु सर्वं समातो हिततो सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सघेति दोषी विहाय सैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युत समचो तक्षामयित्वा पिताशिलोकस्य सरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेत्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य कणिधायताय प्रसादयित्वा महमीश वीर्यं हेम पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्हसि मेव माता चिता तमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव राम। श्री गीता जी का पाठ 9वां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री भगवान वाच वेदांतो ते गुह्यतम तवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात् राजविद्याराजगोह्यम् पवित्रमिदमोत्तम प्रत्यक्षावगम भव्यम् सुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मानवार्तान्ते मृत्युसंसारवात्मनि
मया तमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि मुचाहंते स्ववस्थितः नतमस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिपाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवस्तव्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमन्त्रे स्म मवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निवात्मन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी
श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 अगस्त 1991 को साय लगभग 4 बजे हुआ। राम 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 महाराज 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 नारायण 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 नारायण। अर्जुन ने 4 प्रश्न किए, 54वें श्लोक में 4 प्रश्न किए हैं। स्थितप्रज्ञ के लक्षण क्या होता है, और बैठता कैसे है, और चलता कैसे, बोलता कैसे, बैठता कैसे, चलता कैसे, 4 बात। इसमें एक प्रश्न का उत्तर दिया कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये एक श्लोक पूरे कर्मयोग में घटेगा। 72 तक श्लोक है, उनमें सब में ये घटेगा, एक लक्षण है ये। तो लक्षण क्या है कि संसार की कामना का त्याग और आत्म स्वरूप में स्थिति, ये 2 बात है। अभी पहले आया था जिसे मोह कलिल को उतरना आया था, फिर सुसिंधपति पत्नी को उतरना आया था। ये संसार के 2 भाग है, इनसे उतर जाता है तब योग को प्राप्त हो जाता है। तो योग प्राप्त हो जाता है वो आत्मनिव आत्मना तुष्टा है, वो स्थिति पर कहलाता है। अब वो बोलता कैसे, स्थिति किम प्रभाषित किम आसित, कैसे बोलता है, तो बोलते के बोलने के लक्षणों का 2 श्लोकों में वर्णन है। ऐसे वो बोलता है, दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्त्रिया वीत राग भय क्रोधस्य धीर्मुनि उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों की प्राप्ति होने पर मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखेषु विगत स्त्रिया सुख में स्त्रीहा नहीं होती, परवाह नहीं होती कि सुख मिले, इसलिए खिंचाव नहीं होता। और वीत राग भय क्रोध, राग और भय क्रोध ये 3 जिसके चले गए, विशेष इतागता राग भय क्रोधा ये स्त्रीसा, वो स्थिति और मुनि रुचि थे, वो स्थिति मुनि कहलाता है। ये मुनि शब्द प्रसिद्ध भाषा में मौन रखने वाले का नाम है, तो किम प्रभाषित उसका ये उत्तर हम मान लेते हैं। भगवान ने मौन शब्द का प्रयोग मन की तपस्या में किया है। मन प्रसाद सौम्य तुम मौन महात्म ग्रह भाव सरस्वती तपोमान समझते थे। तो मन का मौन ही बढ़िया मौन है, पर यह मौन का मुनि सोचते थे। तो ये स्त्री पुरुष कैसे बोलता है, दूसरा यह सर्वत अनभिस्नेह किसी जगह भी अभिस्नेह नहीं, तत्त प्राप्त शुभा शुभम जो शुभ शुभ प्राप्त हो जाए, अनुकूल और प्रतिकूल प्राप्त हो जाए, उसके अभिस्नेह नहीं है। नाभिनंदन नी शुभ की प्राप्ति होने पर अभिनंदन नहीं करता, और अशुभ की प्राप्ति पर द्वेष नहीं करता। सत्य ये सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण बताए। तो नाभिनंदन ये अभिनंदन नहीं करता, शुभ मिल जाए तो उसमें अर्जित और खुश होकर नहीं बोलता है, और द्वेष भी नहीं करता, विरुद्ध आ जाए द्वेष नहीं करता है, वो सिद्ध प्रज्ञ है। ऐसे 2 श्लोकों में किम प्रभाषित का उत्तर दिया। अब विचार करना है कि ये जो लक्षण है ये कैसे है। तो लक्षण एक विलक्षण है, मानो ऊपर से तो ये बात है, वो उनके लक्षण क्या है और वो कैसे है, बोलता है कैसे, बैठता है कैसे, चलता है। तो ये भाषा कैसे बोलता है इसका ये नहीं कि संस्कृत बोलता है, हिंदी बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है, ये नहीं, कैसे बोलने की चतुराई कैसी है ऐसा नहीं,
मानो हृदय में कैसे भाव होते हैं, लक्षण वास्तव में हृदय के वो बताना है, बाहर की केवल भाषा नहीं बताना है, बतानी है। इस बात से पहले बार दुखे सो अनुग्न, दुख आ जाए तो मन में उद्वेग नहीं होता, मन हल्लाते ही मचाता, कभी अब आफत आ गई क्या करें, दुख क्या करें, ऐसे वो उसके बातों में नहीं। ये सुख दुख आते रहते हैं, जैसे रात हो जाती है तो रात होने पर सबका व्यवहार बंद हो जाता है, और व्यवहार कुछ करना होता है तो दीपक के प्रकाश में कर सकते, बिना प्रकाश के हम वहाँ काम नहीं कर सकते, उसकी पराधीनता होती है। परंतु सूर्य अस्त अपन को रोते नहीं, शोक नहीं करते, दुख नहीं करते, क्योंकि देखते हैं कि सूर्य अस्त होता है, अब वो नहीं होता है, तो ऐसे किसी के मरने पर भी, दुख होने पर भी वो रोता नहीं। ये तो रोते होते रहते भाई, जन्म है उसको मरना होता है, मरते हैं फिर मुक्ति नहीं होती, फिर जन्मते हैं और जन्मते हैं वो मरते हैं, नई बात क्या होगी। संपत्ति विपत्ति आती है, नफा और नुकसान भी होता है, संयोग वियोग होता है, ये तो संसार का स्वरूप है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस बात दुखे सो अनुग्रह मारा, दुखों में उसके मन में उद्वेग नहीं होता, हलचल नहीं होती, कोई नई बात थोड़ी है। अब घाम आ गया तो आदमी घबराता है क्या? ठीक है भाई, नहीं स्वाद और सामान उठकर छाया बैठ जाओ, जाया आता है तो भी हमें स्वाता नहीं तो कपड़ा ओढ़ लो, किसी की रक्षा में चले जाओ, ये कोई दोष की बात नहीं। पर मन में घबराहट करना ये दोष की बात है। देखो परिस्थिति का ज्ञान होना, ज्ञान होना दोषी नहीं है, विकार होना दोषी है। दुखों के प्राप्त होने पर दुखों का ज्ञान हो गया और ज्ञान होने पर उनका प्रतिकार कर दिया, कोई दोष की पाप की बात नहीं, परंतु भीतर में विकार नहीं होना चाहिए, ये कोई नई बात थोड़ी है। दुखों का आ जाना, सुखों का आ जाना, अनुकूलता आ जाना, प्रतिकूलता आ जाना, ये कोई नई बात नहीं है, तो सदा रहती है, अनाधिकार संसार में से होता ही रहता है। हम कहाँ तक हंसेंगे, कहाँ तक रोएंगे? तो वास्तव में निर्विकार रहना है, ये स्थित प्रज्ञा के लक्षण है। क्यों? प्रज्ञा बुद्धि जिसकी स्थित हो गई, स्थिर हो गई, तो स्थिर बुद्धि असमूढ़ा, उनकी मूलता चली गई, ब्रह्मणी स्थित परमात्मा में स्थित है, तो बुद्धि जिसकी अटल हो गई, तो अगर कहाँ हो गई, परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि अटल हो सकती है, सांसारिक पदार्थों में बुद्धि अटल नहीं हो सकती। उसमें सुख दुख दोनों अलग अलग होंगे, उसमें बुद्धि अटल कैसे होगी? तो परमात्मा स्वरूप बुद्धि स्थिर हो जाने के बाद दुखों के प्राप्त होने पर कोई हलचल नहीं होती। अब सुखों पर स्प्रिया नहीं कि सुख मिलता रहे अथवा ये सुख बना रहे और अनुकूलता आती रहे, ऐसी कोई बात नहीं, स्प्रिया नहीं। और बीच राग भय क्रोध, राग और भय क्रोध इस लगे पदार्थ में राग होता है, जिसका रंग चढ़ जाता है मन पर, वो प्रिय लगती है वस्तु, तो मन पर रंग चढ़ गया। अब रंग चढ़ गया, उस रंग को कोई दूर करे, मन हमारे पदार्थों की इच्छा हुई, हमारे धन की इच्छा हुई, तो उनका धन का राग चढ़ गया मन पर। अब इस राग में प्राप्ति होने वाली थी, इसने किसने बाधा दे दी? धन की इच्छा, धन कोई देता है था, उसने बाधा दे दी। तो बाधा देने वाला अगर हमारे से बलवान है तो उस पर गुस्सा आए तो फैलेगा कि भाई इसमें करोगे से मटर डालेगा, पीस डालेगा, कहीं तो भय लगेगा। अगर उस पर ऐसा चले कि हम इसको मार सकते हैं तो क्रोध आएगा, हम निर्बल मालूम जाएंगे तब तो आएगा भय, और हमारे को बलवान अपने को मानेंगे कि हम इसको ठीक पसार सकते हैं तो क्या होगा, क्रोध आएगा। ये राग से ही पैदा होते हैं दोनों, सभी राग से ही पैदा होते हैं, राग से पैदा हो जाते हैं, राग नहीं तो भय होता है ना क्रोध होता है। तो राग गीत राग भय क्रोध, राग चला गया तो भय और क्रोध भी चले गए, ऐसा स्थिति मुनि रुचते, ऐसा स्थिति बुद्धि वाला मुनि कर रहा था। मुनि मन मननशील, परमात्म तत्व का मनन कर रहा है,
पदार्थों का मनन करे, भोगों का करे, तो उनकी हानि और लाभ में फर्क पड़ेगा, परंतु मनन ही उसका दूसरा है। आप दूसरी वस्तु के ग्राहक है तो आपके हानि लाभ, दूसरी चीज का हानि लाभ आपके असर नहीं करेगा। जैसे आप भोजन खाने में बैठे और भोजन पवित्र भोजन के आप ग्राहक है तो वहाँ मांस मछली मछली नहीं मिलेगा, दुख होगा। हम चाहते ही नहीं, हम चाहते हैं उसमें सुख दुख होता है। तो वो परमात्मा में से पसे रहते हैं, वे सांसारिक सुख दुख से सदैव अलग रहते हैं, वे दुख के वशीभूत भी नहीं होते। तो उनका वास्तव में विषय दूसरा है, वे दूसरे देश में है, वो देश हमारा ये नहीं है। इस देश में रहने वालों को तो फर्क पड़ेगा भाई, अनुकूल साम्राज्य होगी प्रतिकूल नाराज हो जाएंगे, परंतु उनका देश परमात्मा है, इस देश के हम ग्राहक नहीं है। तो इस देश में हानि लाभ हो तो हमारी क्या हुआ। जैसे कोई साधु हो गया, साधु होने के बाद घर में कोई बहुत मुनाफा हो गया तो कोई हर्ष नहीं होता, और घाटा लग गया तो कोई दुख नहीं होता। वो समझे हम अलग, ये अलग है, अपना घाटा हो नफा हो नुकसान हो जन जीवे मरे घर में कुछ भी हो जाए हमें इनसे मतलब नहीं है। इन सब बहुत विलक्षण बात है, पर संसार उनका ये नहीं रहता है। जो संसार संसारी होगा है ऐसा उनके नहीं रहता है, वो सब ऊंचे उड़ जाते हैं, इस बात उनके बारे शौक नहीं होता। वो स्थिति मनन परमात्म तत्व का मनन है, उसी में ही स्थित रहते हैं। वो स्थिति मुनि रुचे थे, वो स्थिति मुनि रहता स्थिति क्यों प्रभाषित इसमें स्थिति पर दिया है। स्थिति बुद्धि वाला कैसे बोलता है, स्थिति मुनि रुचे थे, मुनि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मन से परमात्म तत्व का ही मनन है, सांसारिक विषयों का पदार्थों का मनन नहीं है, इस वास्ते मुनि कहा जाता है। यह सर्वत्र स्नेह, अविस्नेह कहीं नहीं है। अविस्नेह उसको कहते हैं जैसे बच्चा बीमार हो जाए तो माँ ठीक है बीमार नहीं है सेवा करती है, पर सेवा में इतनी चिंता होती है माँ के शरीर की शक्ति कम हो जाती है। छोरा बीमार है इस बात की चिंता को लेकर माँ के शरीर में कमी आ जाती है, शक्ति कम हो जाती है, भूख कम लगती है, मन नहीं लगता है, तो सही ठीक है माँ का, परंतु अविस्नेह जो कहते हैं जिसमें एकता का अनुभव करे, बालक के साथ में अपना एकता का अनुभव करते हैं, जिसमें ज्यादा स्नेह होता है उसका असर पड़ जाता है। धन में ज्यादा स्नेह धन चला जाए तो धन के जाने से व्याकुल हो जाता है, घबरा जाता है, धन चला गया हमारा आधार था भाई, ऐसे भाई है पति है कुत्ते कोई मर जाता है तो उससे बहुत ज्यादा व्याकुलता हो जाती है, क्योंकि उनको वो आधार है। जैसे हम यहाँ बैठे हमारे नीचे से जमीन खसक जाए तो हम कहाँ बैठे, ऐसे जिसने आधार माना है वो आधार खसक जाता है तो उसके दुख होता है। सर्वत्र स्नेह शिव जी की किसी की अभी स्नेह है ही नहीं, मान तादात में करके उसके साथ एकता मान करके जो स्नेह होता है वो अभी स्नेह कहता है, ऐसा है ही नहीं कहीं। तत्व प्राप्त शुभ शुभ अशुभ प्राप्त हो गया तो शुभ हो जाए अशुभ हो जाए, अभी स्नेह होगा तो उसका असर पड़ेगा शुभ अशुभ का, सर्वत्र अनभी स्नेह है तो शुभ हो जाए अशुभ हो जाए अपना स्नेह है ही नहीं। योग दर्शन में आया है रितम भरा तत्व प्रज्ञा, उनकी प्रज्ञा सत्य को धारण करने वाली, रितम सत्यम विभर से रितम भरा सत्य को धारण करने वाली है, उस प्रज्ञा है उसने लिखा प्रज्ञा प्रासाद मान लीजिए, प्रज्ञा रूप एक हवेली है बड़ी भारी हवेली, बहुत बड़ा मकान प्रासाद है बड़ा किला है, उसे ऊपर चढ़ जाता है वो प्रज्ञा प्रासाद मान लीजिए, अशोच्य सोच को देना स्वयं तो अशोच होगा उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। अब सोचता देना जो सोच करने वालों को देखता है कैसा देखता है तो भूमिस्था नहीं वाई रस्ता शहर के ऊपर चढ़ा हुआ बड़े भारी पर्वत के ऊपर बैठा है और पृथ्वी के ऊपर रहने वाला आदमी को देखता है, कहीं बाढ़ आती है कहीं आग लगती है कहीं घाम पड़ती है जोर से कभी हवा जोर से आती है, तो भूमि पर स्थित है उनको वो देखता है तो सही रास्ता भूमि स्थान ही सही रास्ता सर्वान प्राज्ञ अनुपस्थित प्राज्ञ सबको देखता है, परंतु वो उन
भूमि में स्थित होने वाले आदमियों में आने वाली आपत्ति से बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि तो पर्वत के ऊपर से चढ़ा हुआ है ना, तो उसकी कोई ये असर नहीं करते पदार्थ, भोग पदार्थ संयोग योग उस पर असर नहीं करते, क्योंकि उनकी स्थिति ही और हो गई, शरीर में स्थिति नहीं रही। शरीर में स्थिति रहता हो तो ये बात होती है, स्थिति नहीं रहने वाला का यश नहीं है, कोई मर जाता है कि प्राण निकल जाते हैं, ये अर्थ नहीं है। मोह नहीं रहता है, मोह जैसे आप अपने घर में रहते हैं, एक इस पंडाल में रहते हैं, तो पंडाल में बैठे रहने पर भी आपके इसका मोह नहीं है। धर्मशाला में आप रहते हैं, रहते हुए भी मकान में मोह नहीं है, और अपना मान लो मोह हो जाता है, तो अपना मानना वो मिट जाता है, मर नहीं जाते। शरीर के साथ भी कोई संबंध विच्छेद हो जाए, शरीर न रहे ऐसी बात नहीं, शरीर के रहते हुए भी शरीर की विपरीत हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, शरीर ठीक रहे बे ठीक रहे ऐसा उद्योग भी करता है, अन्न जल भी देता है, औषध भी देता है, सब ठीक करता है, पर ठीक हो जाए तो मौज, ठीक न हो जाए तो मौज, चिंता भी बात की। ये तो शरीर है, शरीर का धर्म भाई होगा, सर बंदा होगा, होगा होता रहेगा, आप मिटा नहीं सकते। बड़े बड़े संत महात्मा हुए, जीवन मुक्त हुए, उनके भी शरीर में तो पीड़ा भी हुई है, रोग भी आया है, मृत्यु भी आई है, संयोग भी हुआ है, वियोग भी हुआ है, सब तरह होता है, परंतु उनके अंतःकरण में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि वे ऊंचे उठ गए, शरीर से ऊंचे उठ गए, परिवार से ऊंचे उठ गए, उनके क्या दुख हो क्या सुख हो। गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ से ऊंचे उठ लेना चाहिए, मानो बाधा किसकी है, जो हम गुलामी स्वीकार कर लेने उसी बाधा है। अमुक व्यक्ति चाहिए, अमुक भोग चाहिए, अमुक परिस्थिति हमारे को चाहिए, ऐसी मन में आ जाती है, यह है दरिद्रता, यह है गुलामी, यह है दासता, ये जिसकी मर जाती है वो भगवान के गुलाम है, दास है, जो कुछ है गंध है भगवान की, किसी सिवाय किसी के नहीं, अरे भगवान है जो रहते उनमें कोई विकार होता नहीं, तो हमारा विकार कैसे हो। वो परमात्म तत्व में नित्य निरंतर स्थित है, उस तत्व में कोई विकृति आती नहीं, इस बात से उनको विकृति होती नहीं, सर्वत्र विषय है ना अभिनंदन व्यस्त उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, तो सर्वसरण विष्णु है, किसी की अविष्णु नहीं है। ऐसे किम प्रभाव कैसे बोलता है कि उनके मन में राग द्वेष नहीं होती, राग द्वेष पूर्व नहीं बोलता है, राग की और द्वेष की भाषा वो नहीं बोलता है, वो तो समता में रहता है, समता में स्थित रहना ही मनुष्य का धर्म है। यही तेजस्वर को ये साथ साम्य स्थित माना, जिन लोगों का साम्यावस्था मन स्थित हो गया उन लोगों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में संसार को ठीक किया, संसार पर उनकी विजय हो गई, संसार पर विजय, संसार ने हारे नहीं, और संसारी के सुख और दुख वो आकर थपेड़ा लगाता है, रामा उसमें अभिभूत हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो हमारी जीत नहीं होगी, तो वो जीत कौन है कि यही तेज दस रहेगा संसार को जीत गया, ये संसार में स्थित हुआ, मन क्षमता में स्थित हो गया। जैसे बचपन में कांच के टुकड़े और ठीकरी के टुकड़े इसको लेकर खेलते थे, तब लड़ाई होती थी और शिकायत करते थे, घर बनाया हमने जमीन खाती दो, हमें देर बना दी थी, हमारे हमारा जमीन हमारी घर है, हमारी जमीन है, दूसरा उसके ऊपर लेकर अय्या बना दिया, तो लड़ाई हो जाए कि तुम्हारे हमारी जमीन ले ली, वो कहते नहीं हमारी जमीन, वो कहते हमने लकीर पहले खींची थी, वो कहते मैंने पाल पहले बनाई थी, हमारा है, वो कहते हमारा, लड़न लगे आपस में मार के, अच्छा क्यों लड़ते हो, जैसे हमारा घर है यहाँ पर इसने दखल कर दिया, क्या था मैंने पैर से लकीर खींची थी, यहाँ यहाँ मेरा घर बनेगा, तो इसने आकर पाल बना ली, अपनी भीत बना ली, भीतों में हमारी जमीन ले ली, ऐसा मत करो, क्या करो, अच्छा अब ऐसा करो कि जो आदि आदि करो, आदि तुम ले लो आदि को ले लो, ऐसा करो न्याय कर दिया आदि हो गए, मैं थोड़ी देर भोजन दौड़ गया, अब पूछा पास पास सोचते ही नहीं कि हमारी जबान कहाँ है,
ऐसे ही लड़ाई करते हैं, राम ना सुन बोल जाती तुझे को कागज है, पत्र है, इनको चिट्ठी है, इनको तार है, न फोन है, कुछ नहीं की हमारी जमीन कहाँ है कैसे है। तो बचपन में वो करते थे, आज लड़ाई करते हो गया उन खिलौनों के लिए, कांच के टुकड़ों के लिए। अब याद है लाल पीला लाल काले ऐसा कांच का टुकड़ा देख लेते, बस सब लाल लाल एक आम मिल जाते। अब क्या मिल गया करो, हरा टुकड़ा देख रहे, एक बार हाथ दे लेते, एक आम से देख लेते और मुट्ठी में रखते। बड़ी संपत्ति, वो मामूली चीज नहीं है। आपके तो क्या है, आपके क्या तो आपके लाख रुपए क्या है, उनके वो बड़ी पूंजी है, बड़ी अच्छी चीज है, अपने सुख की सामग्री है। हमने देखा है आपको याद होने पता नहीं हमारे याद भी। ये झार होते हैं ना कांच के, उनके छोटा होते हैं छह पोड़े होते हैं, तो देखे तो छह दिखे, एक आदमी के छह आदमी दिखे, राजी होते जेब में रहते हाथ में रहते, बड़ा प्रिय है उसका। आज क्या मूल्य है उसका, अरे हम खरीद क्या करेंगे, क्या मतलब है। तो अब क्या हुआ, उस अवस्था से ऊंचे उठ गया, और बच्चा अवस्था से ऊंचे उठ गए। अब बच्चा अवस्था की बात आओगे नहीं, ऐसे रुपया पैसों के बातों को लेकर राग द्वेष करते हैं, जो उसे ऊंचे उठ जाते हैं। तो क्या इसमें करते हो, कैसे ले गए, क्या जैसे ले गए, क्या कैसे ले जाए, हमारी जमीन है, हमारे रुपये रह गए, इतने दे दिए, चल मैं पड़े आपस में ठीक रहे के लिए। वो कहता है सर इतने हमारे गंदा थे, हमारे इतने गंदा होते, कितने गंदा थी हमारे होते, वो कहते हमारा होता है, कहते इसने ले लिया हमारा, तो तुम क्यों लिया गए, यही नहीं हमने इसे दिया ही नहीं। वो कहते मेरा मेरा उठा लिया इसने, वो कहता मैंने तो जमीन माता से लिया, श्री माता से दिया ही नहीं, मैं कह दे दू और मांगता है तो कह दे दू, मैंने तो लिया ही नहीं, तो धरती माता से लिया, हाँ तो धरती माता को दे दे, धरती माता को दे दिया, उसे तुम उठा रहे हो। मैंने इसे लिया ही नहीं, मैंने तो श्री माता से लिया, तो कृषि माता कृषि माता को दे दे भाई पैसा, तो उठा ले, अब तेरा हो गया, अब न्याय हो गया, साहब राजी हो गए दोनों, हमारा न्याय कर दिया। अब क्या न्याय हो गया, क्या उठा लिया तो क्या हो गया, तो आपके क्या हो गया। यूं है ऐसे संसार का धर्म, संसार की पृथ्वी, संसार का मान और बड़ाई उन लोगों की दृष्टि में ये कंकर पत्र की तरह खेलते हैं, खिलौने बोले मेरा है, वो कहते मेरा है, मेरा है, मेरा है, तेरा है भाई, कुछ नहीं है, घोड़ा पान है। तो वो स्थल उससे ऊंचे उठ जाते हैं, सर्वदा में कुछ नहीं है, उससे बस वो प्राप्त हो जाते हैं, काम करते हैं वैसे ही, उद्योग वैसा ही है, बात वैसे ही करते हैं, परंतु ऊंचे ऊंचे रहते हैं। वे छोले लड़ते हैं, उनका इंसाफ करते तो आप सुनते हो नहीं, क्या है रे बात क्यों करते हो, वो कहते हमारा है, वो कहते हमारे है, इतने दिन सीखे इतना गंदा हमारा है, रहे तो हमारा है। अरे तुम्हारा कैसे हुआ कि हमने इकट्ठा किया था, अरे हमारा था, इस वास्ते हमारा इकट्ठा नहीं है, वो कहते तुम्हारे सामने लिया ही नहीं, कैसे दे हम, हमने तो पृथ्वी माता से लिया था, क्या लिया ही नहीं, तेरे कैसे तेरू कैसे देंगे, हमारा है तो। अच्छा वो कहता साहब मेरा मैंने इकट्ठा किया था, ये ले गया, तो क्या करे, तेने पृथ्वी माता से दिया, पृथ्वी माता को दे, पृथ्वी माता को दे दिया, अब तू उठा रहे, हमारा न्याय कर दिया, तो क्या न्याय कर दिया, क्या न्याय कर दिया, तमाशा खेल है, कोई खेल है, ये बात है, वास्तव में ये बात है। अगर आप ठीक तरह से समझो तो बात ठीक हो जाएगी, नहीं तो भाई ठिकाना नहीं, संसार में क्या दशा होगी। तो स्थिर प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा नाम बुद्धि स्थिर हो गई, जैसे एक कन्या है आपकी बड़ी हो गई, उसको ब्याह दिया, ससुराल चली गई, अब उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, हमारा घर ये है, पिता के घर बैठी तब तक मेरा घर नहीं है, ससुराल पहुंच गई अब कहते मेरा घर है, उसकी स्थिति होगी बुद्धि कि हमारा घर है, मैं घर की मालकिन हूँ, यहाँ की रहने वाली हूँ मैं। ऐसा थोड़ा दिन हुआ है रहती वहाँ पिता के वहाँ पड़ी है बड़ी हुई सब कुछ, वो घर मेरा नहीं है, वो हमारे पिताजी का घर है, हमारे पूजे आदरणीय भाई का घर है, मेरा घर तो ये है।
साधु हो गया। अब कृष्ण घर में हम तो साधु हुए, अब साधु है गुरु जी है, गुरु भाई है, साधा गुरु है, साचा गुरु है, बस वो कुटुम अलग ही हो गया अपना कुटुम। अब वो कुटुम कोई मेरा में कोई मरे, कोई ठीक हुए, कोई ठीक हुए, हम क्या मतलब है, सहायता कर दी दुनिया कर, उसकी भी कर दी न कर दी तो नहीं कर दी, खबर को जिम्मेवारी नहीं। तो ऊंचा उठ जाता है, उस स्थिति से ऊंचा उठना है, ऐसे सज्जनों संसार से ऊंचा उठना है। उस स्थिति प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा स्थिर हो गई, संसार में प्रज्ञा स्थिर नहीं है। संसार में तो रागर हर्षर ठीक है, ठीक है, बोलता बोलता थपड़े लगती रहेगी, थपड़े लग गया। ऐसे रहेंगे और इससे ऊंचा उठ गया, भगवान की भी स्थिति हो गई, अब मौज हो गई, दुख दिखना ये सब लक्ष्य घट जाएंगे। आप ना भी ना दिखना जैसे अब किमासी तो कहते हैं कैसे बैठता है, यदा संघर्षे चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः, जैसे कछुआ होता है और अंगों को समेट कर बैठता है। तो कछुए के क्या होते हैं कि छह अंग होते, एक तो नार होती माथा होता है, चार पैर होते हैं जो चलता है, एक दूसरे पूंछ होती है, दुम छह होते हैं। ऐसे मन सचा लिया मन सचा दी, ऐसे ये इंद्रिया बहुत छोड़ है, ये जहाँ संघ चाहे उनका संहार कर देता है, उसके इंद्र सूर्य से करो चट सिखो देता है, पैरों को पूछड़ी को नर को सब खोपड़ी के नीचे निकाल है, खोपड़ी की खोपड़ी से कुछ नहीं। तो जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे इंद्रियों को मन को समेट करके बैठता है, वो कछुआ जैसे बैठता है, इस तरह से उसका बैठना होता है। इंद्रिया इंद्रियों के अर्थों से इंद्रियों को लेते से प्रज्ञा प्रतिष्ठित था, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। तो बैठा कैसे है कछुआ, बैठते जैसे कछुआ जैसे अपने छह अंगों को, चार पैर एक नाद एक पूंछ, इन सौ अंगों को जैसे समेट करके अपने बस वगैरह बैठता है, ऐसे उसके बैठने में अपने इंद्रिया है वो तंग नहीं करती, भोगों में जाते नहीं, स्थिर प्रज्ञा उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि स्थिर हो गई, बस अब उसमें नहीं जाती। जैसे आपको बुद्धि स्थिर होगी रुपयों में, अब ठीक नहीं कंकड़ पत्थर में नहीं जाती, रुपयों में स्थिर होगी, ऐसे उनके रुपयों और भोगों से ज्यादा से ऊंचा उसकी परमात्मा में स्थिर हो गई। संसार में ऊंचे से ऊंचा पद मिल जाए, इंद्र लोग ब्रह्म लोग पद मिलते ही तो स्थिरता नहीं होती, क्यों वो स्थिर नहीं है, वो नाशवान है, क्षरभंगुर है। तो इनमें कितने पद मिल जाते, कुछ नहीं मिला, परमात्म तत्व की प्राप्ति हुई तो सब मिलता। तो ये विलक्षण बात है, अनूठी बात है। तो उसे कैसे बैठता है कि कूर्मांगानी व सर्वशः, सब प्रकार से इंद्रियों की अर्थों से इंद्रियों को समेट करके बैठ जाता है। क्योंकि महाराज ये विषयों का जो इंद्रियों से छूट जाना है यही बैठना है, इतना ही है का, इतना नहीं है, एक बात और है इसमें, विषय तो विवृत होते हैं, हम सेवन न करें, नियम ले लें कि इतना ही खाना, इतना देखना, इतना सुनना और नहीं करना है। तो नियम से भी विषयों की निवृत्ति हो जाती है, इंद्रियों से विषयों संबंधित छेद हो जाता है। अथवा हम बीमार हो जाते हैं तो विषयों का सेवन कर नहीं सकते, तो विषयों का इंद्रियों का संबंध विच्छेद हो जाता है। अच्छा नींद आ जाती है तो उसमें विषयों में संबंध विच्छेद हो जाता है। तो विषय में संबंध विच्छेद मात्र ही नहीं होता है इनका, कछुए की तरह ऊपर से ही समझ लिया ऐसी बात नहीं है। तो क्या है कि विषय विनिमय के निराहार से रही ना, जो निराहार है जिसने कुछ नहीं किया है, तो इंद्रियों का आहार भी नहीं किया, भोजन भी नहीं किया, तो विषय निवृत्त हो जाते हैं, विषयों की इच्छा छूट जाती है, जोर से भूख और प्यास लग गया, फिर क्या होते ये बहुत असर बहुत बढ़िया है, वो बड़ा सुंदर सुगंध कैसी आ रही है, ये तेल है, ये फुलेर है, ये अतर है, ये लवेंडर है, बहुत अच्छा है, ये जूही का है, ये देखो सुहा कैसा है, केसर का अच्छा है, ठंडी पड़ती है, हीना है, हीना बहुत बढ़िया सुन बढ़िया, देखो अब भूखा मर रहा है, उसको भूख अन्न चाहिए, मेरे को अतर बहुत बढ़िया देगा, क्या करे बाले क्या भूखा मर रहा है। तो विषय निवृत्त हो जाते हैं निराहार होने पर भी,
निमित्त हो जाते हैं, परंतु बीच में रस बुद्धि रहती है कि अच्छा है तो बढ़िया है, कीमती है, साधारण है, उनमें ही रहता है, तो रस भर जाऊ रस रह जाता है, विषय निमित्त हो जाते हैं, ऐसे रस निमित्त हो जाए परम विश्वास रसो भी निमित्त होते, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है सिर्फ जाते हैं तो उनमें रस ही छोड़ जाता है, ऐसे कुछ नहीं, जैसे बच्चे खेल रहे से दूर कर दो, पढ़ाने लग जाओ तो विषय निमित्त हो गए, खेल से अलग हो गए, पर तो खेल में रस है, एक खेल में एक आनंद तो है ही, वो है जाता है, परंतु जब बड़े हुए रुपये में रस आया रसो कैसे खेलने के मन में ही नहीं आती, कंकर पत्थर से खेले ठीक है गाँव में खेले, हम लोग ही खेलते थे, अब हम लोग मजा करते ठीक है अब इनसे खेलो या हंसी आती है, क्या कोई मस्करी करते हो हमारे साथ, दिल की उड़ाते हो हमारे, दिल की तुम लड़ते थे इनसे लड़ाई करते थे, मेरा है वो मेरा है मेरा, तो भोला पंसा ऐसे रुपयों के लिए जमीन के लिए बड़ा लड़ाई भी करते है राम वो सब मचाते है क्या है तो पड़ा क्या है, परंतु अभी समझ नहीं आता, बचपन में समझ में नहीं आता था, अरे सोरे क्या है ठीक क्या हो गया इसमें क्या कैसे हो गया, अन्याय करो इंसान करो या अन्याय करते हो अन्याय क्या करती हो, अब अन्याय कर दिया फिर छोड़े छोड़ेंगे क्यों नहीं छोड़ा, वो ठीक नहीं पड़ी है ना खेल के वही पड़ी है संस्कृति, ऐसे ही आप लड़ाई झगड़ा होता है कचहरे में मुकदमा चलता है, राम नाम सत है समाचार में फोन कुछ नहीं, जो विजय हुई कि पराजय हुई जीत हमारी हुई उस पार्टी हुई किस पार्टी हुई, अब किसी भी हो जाए किसे मतलब क्या अपने अपने से कोई मतलब नहीं है इस बात, तो ऊंचा उठ जाता है इससे, ये संसार है जैसे खिलौनों के खेल से बच्चा होता है वो ऊंचा उठ कर जवान हो जाता है, खेलने के नहीं आती, आज अगर बूढ़ी बूढ़ी खेलते आज अगर बचपन हो गया, बच्चों का काम क्या खिलौना खेलना और जाते बेटे खाता रहना बता रहे, ये दोनों सभ्यता है, आज तो बूढ़े हो जाए सफेद बाल हो जाए तो चलते बेटे खाएंगे वैसे ही खेलेंगे खेलने से आगे खेलते, बचपन वो नहीं होता, ये बड़े होते ही सफेद बाल हो जाए फिर छोटे ही है, सफेद बाल भेड़ के ही होते हैं, बड़ी हो जाती है क्या हुआ सफेद बाल हो गए सही बूढ़ा हो गया क्या हो गया, भीतर तो बचपन ही बचपन बना है, खेल तमाशा इसमें राजी रहते हैं।